अमेरिका से आज बहुत बड़ी खबर आई। ये खबर सिर्फ अम्बेडकर वादियों या दलितों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसे भारतीयों के लिए बेहद अहम हो जाती है। अमेरिका में जाति विरोधी आंदोलन को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अमेरिका में SC/ST एक्ट की तर्ज पर एक ऐसा कानून पास हो गया है जो जाति के आधार पर भेदभाव को बैन करता है और उसे एक अपराध घोषित करता है। अमेरिका की एक सिटी है, एक शहर है सिएटल, वहां की काउंसिल में एंटी डिस्क्रिमिनेशन कानून पास हो गया है जिसमें कास्ट को भी शामिल किया गया है और ये अपने तरीके का पहला कानून है अमेरिका में। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। अमेरिका में बहुत लंबे समय से मांग हो रही थी कि जाति विरोधी एक कानून वहां पर बनाया जाए और जाति के आधार पर भेदभाव को अवैध घोषित किया जाए, गैर कानूनी घोषित किया जाए। वहां की सिटी जो सिएटल सिटी काउंसिल है वहां पर इस बिल पर आज वोटिंग हुई है और अब से कुछ देर पहले ही इस बिल को जो वहां पेश किया गया था एंटी डिस्क्रिमिनेशन बिल को कानून में तब्दील कर दिया गया है। जो सदन के सदस्य थे उन्होंने इसके फेवर में वोट किया और ये एक कानून बन गया है जो अमेरिका में जाति विरोधी आंदोलन को बहुत मजबूत करता है और पूरी दुनिया में एक संदेश देता है कि जाति के आधार पर भेदभाव को हमें नस्ल के आधार पर भेदभाव की तरह ही एक बड़ी समस्या मानते हुए उसके रोकथाम के लिए, उसके निरोध के लिए काम करना होगा। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि जो कानून है, ये जो बिल है, इसको जो सिएटल सिटी काउंसिल की मेंबर थी जो कि सोशलिस्ट अल्टरनेटिव की सदस्य हैं क्षमा सावंत, उन्होंने पेश किया था और उनके साथ में जो अमेरिका में रहने वाले तमाम बहुजन लोग हैं, उनके ग्रुप्स हैं, उनके संगठन हैं, उन्होंने क्षमा सावंत का साथ दिया और सबने मिल के वहाँ पर एंटी डिस्क्रिमिनेशन बिल पेश किया और एक लंबा कैंपेन इन लोगों ने चलाया कि वहाँ पर जो सदस्य हैं वो इसके पक्ष में वोटिंग करें। लोगों ने टेस्टिमनी दी यानी गवाही दी कि उनके साथ किस तरह से भेदभाव हुआ है। लोगों ने वहाँ पर कैंपेन किया, रैलियाँ की, एक लंबा कैंपेन चलाया और उसके बाद जब आज इस पर वोट हुई है तो वोटिंग में ये कानून बन गया, ये बिल पास हो गया और अब वहाँ अगर कोई भारत से जाने वाला सवर्ण किसी दलित समुदाय के व्यक्ति के साथ में, बहुजन बैकग्राउंड के व्यक्ति के साथ में उसकी जाति के आधार पर भेदभाव करता है तो वो एक अपराध होगा, उसके खिलाफ वहाँ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उस पर केस दर्ज हो सकता है, उसे कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है। एक बहुत बड़ा कदम आज अमेरिका के सिएटल सिटी में उठाया गया है और जाति विरोधी कानून को पास किया गया है। हमने कुछ दिनों पहले ही क्षमा सावंत से इस बारे में बात की थी और अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के जो चेयरमैन हैं राम कुमार, उनसे भी इस पर बात की थी, ऑनलाइन हमने चर्चा की थी और जाना था कि ये बिल कितना अहम हो जाता है। तब भी उन्होंने इसके बिल की अहमियत के बारे में बताया था और आज उन्होंने इस बिल के बनने के पहले ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने आह्वान किया था सभी लोगों से कि आज ये जो वोटिंग होगी ये ऐतिहासिक है, ये हिस्टोरिकल है और पूरे जो समाज के लोग हैं उनको जाति विरोधी कानून के पक्ष में वोटिंग करनी चाहिए और जाति विरोधी जो अभियान चल रहा है, जो कैंपेन चल रहा है, उसमें हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि जाति एक ग्लोबल समस्या है, एक वैश्विक महामारी है और वहां लोगों ने जब ये अपील की तो उसका असर भी दिखाई दिया। One struggle, one fight, city council, do what's right, okay? One struggle, one fight. One struggle, one fight. We waited thousands years. How much more we want to wait? It's inhuman. It is shame. It is disgusting to keep waiting for this thing. Cha 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 beam. Cha 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 beam. सेटल सिटी काउंसिल में जब इस पर वोट हुई तो इसके पक्ष में वोटिंग हुई और अब ये बिल कानून बन गया है। अब वहाँ जाति के आधार पर भेदभाव को नस्ल के आधार पर भेदभाव की तरह ही एक अपराध मान लिया गया है और वहाँ पर कोई भेदभाव करेगा तो उसे फिर जो कानूनी पचड़े हैं उसमें पड़ना होगा, तो एक बड़ा डिटरेंट ये वहाँ पर हो सकता है। क्षमा सावंत का कहना है कि ये सिर्फ सेटल सिटी तक ही सीमित नहीं होगा कि ये यहीं पर रह जाएगा बल्कि अब पूरे अमेरिका में इसको कैंपेन को लीड किया जाएगा और अमेरिका के हर शहर में, हर राज्य में, हर जगह पर ये मांग की जाएगी कि वहाँ पर एंटी कास्ट बिल जो है वो पेश किया जाए, उसको कानून बनाया जाए और जाति के आधार पर भेदभाव करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने एक नारा भी दिया है, बहुत ही शानदार नारा है कि ये सिर्फ सिएटल तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे देश तक जाएगा। नाउ सिएटल देन नेशन, बैन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप एट सिएटल, वी वांट टू विन in every major city in the United States and we want the Democrats and Republicans in the US Congress to get the message.
that this is an international movement with working class solidarity internationally against not only caste oppression, but every form of oppression. So chant with me. So our chant is, first Seattle, then the nation, ban caste discrimination, okay? First Seattle, then the nation. First Seattle, then the nation. Loud, loud. First Seattle, then the nation. क्षमा सावंत ने जब ये बिल पेश किया था तभी अंबेडकरवादियों के समूह ने उनका एक कहें कि अभिनंदन किया था और वो साथ मिलकर सॉलिडरिटी में खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था कि एंटी कास्ट बिल को जरूर कानून बनाया जाना चाहिए। लेकिन अमेरिका में ऐसे कानून की जरूरत क्या है, क्यों क्षमा सावंत और बाकी अंबेडकरवादियों को ये कानून बनवाना पड़ा, ऐसी क्या बातें थी, किन वजहों से ये कानून पेश हुआ है, जब ये सवाल मैंने क्षमा से पूछा था तो उन्होंने क्या जवाब दिया था वो भी सुनिए। Shama, why there is a need to bring an anti-caste bill in Seattle? What are the reasons that you had to, you know, bring this bill against caste-based discrimination in Seattle City Council? Really, the fundamental reason, and I'm so glad you asked this question, is that the South Asian population has grown in the United States and in the immigrant community, also from other regions, we are seeing that the same scourge that exists in South Asia related to caste, caste oppression, caste discrimination is also being reflected in the United States. And we have more and more workers. In fact, hundreds of workers have spoken out. South Asian origin workers have spoken out about the caste discrimination that they are facing in the workplace, in other settings, social and public settings. And they have courageously spoken up. Dalit community members themselves have courageously spoken up. And this legislation, what it would do is it would ban caste discrimination. So, Sumiji, jaisa aapne kaha, it will be illegal to discriminate on the basis of caste. Obviously, this is only the first step, but it will truly be historic. अपने बैग में अचार, मच्छियां और तरह तरह के मसाले, मिठाई लेकर भारत से अमेरिका जाने वाले सवर्ण लोग उस बैग में अपनी जाति भी भर के ले जाते हैं और वहां लोगों के साथ जातीय भेदभाव करते हैं। इसकी तमाम गवाही सामने आ चुकी है कि भारत से जाने वाले जो सवर्ण हैं किस तरह से वो वहां दलित बहुजन बैकग्राउंड के लोगों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। इस सवाल को मैंने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के जो चेयरपर्सन हैं राम कुमार उनसे पूछा था कि ऐसे क्या तरीके हैं अमेरिका में कि लोग आपकी जाति पता करते हैं। सुनिए उन्होंने कितनी जरूरी बात बताई थी कि कैसे भारतीय जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं वहां जाकर भी वो जातिवाद करते हैं। राम जी, हम भारत में देखते हैं दैट वी हैव यू नो सर्टेन वेज ऑफ कास्टिज्म। हमारे यहाँ तो बहुत ही मतलब स्ट्रक्चरल कास्टिज्म होता है। बट अगर हम यूएस के समाज को समझने की कोशिश करें कि अमेरिका जैसा एक मॉडर्न मुल्क है, एक आधुनिक समाज है, वहां पर जब यहाँ से लोग भारतीय लोग वहां पर जाते हैं तो वहां किस तरह से जाति उनके आड़े आती है, जातिवाद के क्या तरीके हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ कास्टिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन इन यूएस। तो सुमित जी, थोड़ा मैं पहले बैकग्राउंड से बताता हूँ। लाइक अमेरिका एक इमिग्रेंट्स का कंट्री है, ये बहुत इंडिया की तरह का ये नहीं कि हजारों साल से वहाँ पे लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर सिविलाइजेशन बनती बिगड़ती रही है, पिछले कुछ सौ साल की कहानी है। यहाँ पे दुनिया के जगह जगह अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पे आए हैं, अपनी कल्चर लेके आए हैं, अपने रहने के तौर तरीके लेके आए हैं, कुछ अच्छाई भी लाए हैं, कुछ उनके साथ साथ में जो बुराई है वो भी लेके आए हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की सोसाइटी ने बुराइयों को पहचाना है, उनके हिसाब से कानून बनते गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे रेस के आधार पे कानून होता है, जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे होगा, एज के आधार पे होगा, तो ऐसे बहुत सारे क्लियरली डिफाइंड है, वो समय के साथ में इवॉल्व हुए हैं, समय के साथ बनते गए हैं। तो जो कास्ट है यहाँ की कोई ओरिजिनल चीज नहीं है, कास्ट ये साउथ एशिया से आई है, साउथ एशिया से कहें तो मेनली इंडिया से, क्योंकि साउथ एशिया में बाकी कंट्री में भी होता है लेकिन जहाँ की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन साउथ एशियन है वो इंडियन है, और उनमें भी जो स्टार्टिंग में आई वो डोमिनेंट कास्ट के आए हैं, क्योंकि इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है वहाँ का जो है ना रिसोर्सेज है, एजुकेशन है, बाकी सुविधाएं हैं, वो ओप्रेस कास्ट के पास ऐसे नहीं थी, तो इतने लोग नहीं है, बहुत ही रेयर केस में आए हैं। तो ज्यादातर जो लोग पहले आए फिर वही यहाँ के अपनी कल्चर का अच्छाई बुराई बताएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग तो जानते नहीं है, और वो चीजें उजागर नहीं होने दिया। लेकिन पिछले कुछ दशक से, दो तीन दशक से जो है ना टेक रिवॉल्यूशन हुआ, फिर बाद में थोड़ा एजुकेशन लिबरलाइजेशन हुआ, तो अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे कुछ लोग मतलब इंडिया से एजुकेशन के लेने के बाद में मेडिकल सेक्टर में थोड़ा बिजनेस में भी आने शुरू हुए, तो फिर धीरे धीरे कास्ट का यहाँ पे जो एक्सप्लोइटेशन था, डिस्क्रिमिनेशन था, वो उजागर हुआ। तो कुछ केस में आपको बताता हूँ कि जैसे मतलब इंडिया की तरह तो नहीं है कि मतलब अभी वहाँ पे ओनर किलिंग कर देंगे
या अनटचेबिलिटी है यहाँ पे, या होस्टल के छत से कूद के जान देनी पड़ेगी, एटलीस्ट ना तो प्रोटेक्शन है। लेकिन इस तरह का क्लियरली डिफाइंड कास्ट नाम की चीज नहीं होती। हम यहाँ पे वर्क प्लेस पे जाते हैं कि ऑफिस में जाएंगे, कहीं पे मेन बिजनेस पे होगा, तो वहां पे एक बोर्ड लगा होता है एज पर द लॉ कि भाई आप यहाँ पे मतलब जेंडर के आधार पे, एथनिसिटी के आधार पे, एज के आधार पे, नेशनलिटी, रिलीजन, ये सब के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन करना कानून का मतलब उल्लंघन है, सजा होगी। तो उसमें कास्ट नहीं है क्योंकि ये नहीं पता है। तो अभी अवेयरनेस बढ़ना शुरू हुई है एंड केस बाहर आने शुरू हैं, तो अब कास्ट का ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। अब किस तरह के यहाँ पे मतलब डिस्क्रिमिनेशन होते हैं तो टेस्टिमोनी के आधार पे बताता हूँ। अभी जो टेस्टिमोनी हो रही है तो वो बहुत सारे एंड नॉट ओनली अम्बेडकर राइट, जो दूसरे डोमिनेंट कास्ट के लोग वो भी आ रहे हैं कि किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। तो जैसे जॉब में आप काम ऑफिस में जाते हैं तो कुछ केसेस, कुछ कैंडिडेट ने इस तरह की टेस्टिमोनी दी है कि ऑफिस में जब तक कास्ट का नहीं पता चलता सारी टैक्टिक यूज होती हैं, यू नो भाई नाम, लास्ट नाम कहाँ से है, किधर से आए हैं, कौन सी इलाके से रहते हैं, बेसिकली वो सब डिकोडिंग के तरीके हैं कि उस जगह से ये वाला नाम है तो भाई पूछेंगे उस तरह से क्या कास्ट हो सकती है। ऐसा नहीं तो जैसे कुछ लोगों ने बताया, यू नो आई वाज वन ऑफ देम आल्सो, कैसे नहीं पता चला तो कम पे ऐसे हाथ लगा के देखेंगे कुछ थ्रेड वगैरह है नहीं है, यू नो, तो समहाउ कास्ट का पता चलेगा। तो फिर यदि आप जॉब में हैं तो जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं, अच्छी मीटिंग, क्रिटिकल मीटिंग है ना, तो इंटेंशनल या कैसे भी आपको उनसे मतलब अलग कर देंगे किसी भी तरह से, ताकि धीरे धीरे आपको जॉब से पीछे करते रहें, आपको मतलब टॉपिक में नोट नहीं करेंगे, आपका अच्छा फीडबैक नहीं देंगे। और दूसरा, कुछ कंपनी में यहाँ पे जो प्रमोशन होता है या सैलरी रेज होता है वो सब इंटरनल रिव्यू भी होता है एम्प्लॉय के अंदर का। अब यदि कास्ट का पता चल गया तो डेफिनेटली कुछ लोग उसमें मतलब नेगेटिव फीडबैक देंगे, तो बेसिकली करियर में इस तरह से पछाड़ेंगे। और अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स सामने आ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं इंडिया से, वहां पे लगता है कि समस्या और भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि एकदम नए नए आते हैं तो कल्चर में पूरी तरह से इंडिया के इनर्शिया में रहते हैं कि सब चलता है, ये नॉर्मल है, नेचुरल है, कास्ट के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, गलत नहीं है। तो जो माइंड सेट है वो एजुकेशन के साथ साथ में पूरा इम्पोर्ट हो रहा है। और कैलिफोर्निया के स्कूल्स में, यहाँ पे कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी का जो स्कूल सिस्टम है, उन्होंने ऑलरेडी बैन कर दिया कास्ट वहाँ पे के आधार पे, यदि आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो जुर्म है। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को पता चलने पे कास्ट के आधार पर उनका रूम शेयर करने से मना कर देते हैं, कि नहीं हम मतलब उस कास्ट के साथ में रहेंगे। और दूसरा तरीका होता है कि भाई आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप शक के दायरे में आ जाएंगे, फिर कास्ट का पता करेंगे, फिर आपके साथ में जो है ना मतलब इंफॉर्मेशन क्लास शेयर करना भी वो मना कर देंगे। और कुछ केस अभी इस तरह के भी आए हैं कि पेरेंट्स ने मतलब जहाँ पे अमेरिका में रह रहे बहुत सार से बच्चे आपस में शादी करना चाहते हैं तो उसको भी मना करने के, नहीं दूसरे कास्ट के साथ में, जिन्हों लोअर कास्ट वर्सेस अपर कास्ट है, हम नहीं करने देंगे, नो हमारा ब्लड स्ट्रीम बना के रखना है। तो उस तरह के भी केस अभी यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस डर से कि यदि मैं अपने बाहर आवाज उठाऊंगा जाके तो मेरा सोशल बायकॉट हो सकता है, नो, तो वो जो ट्रॉमा है उस वजह से बहुत सारे लोग बाहर आना भी नहीं चाहते, नो, क्योंकि एक बार कास्ट पता चलता है तो इट्स नॉट लाइक द फिजिकल वायलेंस, आपका सोशल सेग्रीगेशन होगा एंड दैट इज अ मेंटल टॉर्चर, कि कास्ट होते ही आपको बाहर निकाल देंगे, यू नो, अपने ग्रुप में से निकाल देंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, स्कूल के जो बच्चों का ग्रुप है वो अलग बनाएंगे। तो ये इस तरह की टैक्टिक जो है ना बेसिकली आपको इमोशनली फिजिकली ह्यूमिलेट करेंगे और आपके करियर में आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे। ये मामला सिर्फ सिएटल सिटी काउंसिल तक नहीं चलेगा बल्कि पूरे अमेरिका में अब एंटी कास्ट बिल बनाने की मांग होगी, कानून बनाने की मांग होगी और जाति विरोधी आंदोलन को बहुत मजबूती मिलेगी। यही वजह है कि जो कट्टरपंथी संगठन है, खासकर अमेरिका में रहने वाले सवर्णों का जो हिंदू गुट है, वो अंबेडकरवादियों पर और समाज सावंत पर लगातार हमला कर रहा था और वो कह रहा था कि ये दरअसल हिंदू फोबिक लोग हैं, ये हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा कुछ है नहीं, जाति कोई समस्या है नहीं। आप देखें जैसे भारत में लोग जाति की समस्या को एकदम इग्नोर कर देते हैं कि वो तो कोई मायने ही नहीं रखता, जाति तो कुछ समस्या है ही नहीं, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है। वैसे ही अमेरिका में जाति विरोधी जब बिल आया तो इन लोगों ने खुलकर हमला किया और कहा कि भाई आप लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल मैंने समाज से भी पूछा था कि आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि आप हिंदू विरोधी हैं, सुनिए उन्होंने उस वक्त क्या कहा था। But one of the talking points they'll say is, this is anti-Hindu. No, this is not anti-Hindu. This is anti-caste discrimination. So if you're a dominant caste Hindu who wants to carry out discrimination, then absolutely this law will help to hold you responsible for that. That even, is true. Even I was just looking at some of the tweets and, some of the tweets and posts on social media. This is that you guys are suffering from the Hindu phobia and you are tarnishing the image of Hindu religion that is anti-Hindu. The label is there on you. Yeah, ye jo completely false accusations bana rahe hain, ye khud Hindu fundamentalists hain, you know, Hindu kattarvad hai ye. And that's why
We have to call them out for what they are and not be defensive. Like, we have to go on the offensive to fight for our bill. And to be very clear, the Seattle anti-discrimination law already bans discrimination on the basis of religion. So this is not going to be in any way an attack on dominant caste people. And if I can just give you an analogy that might help people understand why, how dangerous and toxic and false these right-wing talking points are. You know, the Teen Saal Pehle, US May, sabse aitihasik movement hua, wo Black Lives Matter movement. At that time, it became the largest street protest movement in US history, precisely because it was multiracial. You know, working people from different races, not just Black people, came out in anger against racism, because those who marched, you know, the 26 million people who marched, we all marched, and I was one of them. We marched because we want to live in a society free of racism. At that time, there were right-wing white people, right-wing people. Yeah, white hai, yes, hai, hai, like more right-wing hai. The majority of white people are against racism. To be clear, this is not about identity. This is about politics. It's always about politics, not about identity. But at that time, there were the right-wing who said, a minority right-wing who said that white lives matter. Unke kehne ka matlab kya tha? Ki the assumption is that there is no racism in society. And so if you say Black Lives Matter, it's going to be detrimental to white people. Complete falsehood. It's the same logic that they're using, that if you protect upper caste people against caste discrimination, that's an attack on a dominant caste people, because the premise in their minds is that there is no caste discrimination. So if you say this, then it's against us. So that's what we have to call out. It is based on a complete falsehood. There is caste discrimination. If you're a dominant caste manager in a big tech company and you don't discriminate against oppressed caste people, then you have nothing to worry about, you know. So the people who are speaking out against this ordinance, they are opposed to actually ending caste discrimination. Now Seattle, then nation, banned caste-based discrimination. ये नारा आप पूरे अमेरिका में सुनाई देगा और बहुत इसकी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अमेरिका में रहने वाले जो अम्बेडकरवादी हैं वो बड़ा कैंपेन करेंगे और जाति विरोधी आंदोलन को और मजबूत करेंगे और बल्कि नेशन वाइड एक ऐसा कानून बनाने की मांग करेंगे जो जाति के आधार पर भेदभाव को गलत ठहराता है, उसको कानूनी कार्रवाई की उस पर इजाजत देता है और उनको सजा देने के भी उसमें प्रावधान हो। आप देखें, जैसे भारत में SC/ST एक्ट है, उसमें ऐसे प्रोविजंस हैं कि आप किसी के साथ जाति सूचक शब्द बोलेंगे, उसके साथ ऐसा कुछ दुर्व्यवहार करेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस कानून में भी जो सिएटल सिटी काउंसिल में बना है, इसमें एंटी डिस्क्रिमिनेशन बिल में अब कास्ट वर्ड को इंक्लूड किया गया है। पहले जैसे रेस था, जेंडर था, कलर था, इसके आधार पर भेदभाव को गलत ठहराया गया था, अब उस एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ में कास्ट को भी इंक्लूड कर लिया गया है और कास्ट को एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी स्टेटस मिला है। जिसका मतलब ये है, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, कि अगर कोई ये कहता है कि मेरे साथ जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है और वो किसी का नाम लेता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कोर्ट फिर उस पर फैसला करेगा और फिर उसके आधार पर सजा भी दी जा सकती है, उन्हें देश से निकाला जा सकता है, उन्हें जेल हो सकती है, उन पर जुर्माना लग सकता है। तो एक तरीके का SC/ST एक्ट बन गया है अमेरिका में, अगर आप कहेंगे तो, कि भारत में जैसे SC/ST एक्ट है, वैसे अमेरिका के सिएटल सिटी में अब एक ऐसा SC/ST एक्ट जैसा कानून बन गया है। हालांकि उतना विस्तार नहीं है, लेकिन आसान भाषा में आप समझ लीजिए कि अमेरिका में एक SC/ST लॉ बन गया है और अगर अब इन्होंने सवर्णों ने, जो दूषित मानसिकता के जातिवादी लोग हैं, अगर ये फिर भी वहां जाकर जातिवाद करते हैं तो अब इन्हें वहां पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और इन्हें वहां से धक्के मारकर भगाया जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है अगर ये जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं तो। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है और ये ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि दुनिया भर के जो देश हैं जहां पर भी भारतीय रहते हैं वहां जाति की समस्या है। आप देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि अगर हिंदू जो हैं वो दुनिया के बाकी मुल्कों में जाते हैं, पलायन करते हैं, तो फिर वो जाति की समस्या को वहां ले जाएंगे और फिर जाति की समस्या एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन जाएगी, वो एक वैश्विक महामारी बन जाएगी। बाबा साहब की ये थीसिस थी कास्ट इन इंडिया, उनमें उसी थीसिस में उन्होंने ये एक विचार रखा था, भविष्यवाणी की थी कि अगर ये गए तो फिर तो सब जगह जातिवाद फैला देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूषित मानसिकता है, बीमार लोग वो कहते हैं बाबा साहब जातिवादियों को। और आप देखें, आप दुनिया में जहां पर भी भारत के सवर्ण खासकर रहते हैं वहां जातिवाद की समस्याएं देखने को मिल रही है, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो,
ब्रिटेन में भी आप देखें 2010 में इक्वालिटी लॉ लेके आए थे, उसमें भी इस तरह के प्रावधान थे कि डिस्क्रिमिनेशन को रोका जाए, डाइवर्सिटी को इन्हेंस किया जाए। अभी पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह का कानून बनाने की पेशकश हुई, बिल लाया गया। तो अभी कनाडा में भी जो है, अभी हम बात कर रहे थे कैनेडियन एक जर्नलिस्ट से, तो वहाँ पर भी इस तरह के कुछ एफर्ट्स हो रहे हैं और दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों में ऐसे एफर्ट्स हो रहे हैं जो जाति को एक ग्लोबल प्रॉब्लम की तरह देख रहे हैं और उसको बैन करने की, उस पर रोकथाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जहां जाते हैं अपनी जाति को साथ ले जाते हैं, जैसे गंगा जल या अचार वो घर से लेके जाते हैं, वैसे ही प्योरिटी के नाम पर वो अपनी जातीय सुपियोरिटी को, अपने आप को श्रेष्ठ मानने की जो भावना है उसको ले जाते हैं और दूसरों के साथ भेदभाव करते हैं। इसलिए वहां पर इसके खिलाफ कानून बनना बहुत बड़ी बात है, ये बिल्कुल ऐतिहासिक बात है। आपको सोशल मीडिया पर इसे शेयर करना चाहिए, लिखना चाहिए, आप सेलिब्रेट कीजिए इसको। ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डे है कि अमेरिका में जाति को रिकॉग्नाइज किया गया, उसके आधार पर भेदभाव को बैन किया गया और आने वाले दिनों में बहुत इस बात की गुंजाइश होगी कि या तो जातिवादियों को डर होगा कानून का, क्योंकि वो अमेरिका है, यहाँ जज वकील SHO आपकी जाति का नहीं मिलेगा आपको, जैसे भारत में है कि सब आपकी जाति के मिल जाते हैं तो आपको कास्ट प्रिविलेज मिल जाता है, आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर आपको इस तरह से कास्ट कनेक्शन के फायदे बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, इसलिए दंड मिलेगा, सजा मिलेगी और मुमकिन है कि ये दूषित मानसिकता के लोग सुधर जाएंगे, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन अगर करते हैं तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई होगी और पूरे अमेरिका में ये कानून अब नहीं तो 10 साल 20 साल बाद आप देखेंगे इस तरह का एक कानून वहाँ पर ज़रूर बनेगा। सिएटल सिटी काउंसिल की तरफ से इसकी शुरुआत हो गई है, तो मैं इसको एक बहुत ऐतिहासिक दिन मानता हूँ। दुनिया में पहला अमेरिका एक ऐसा मुल्क हो गया है जो जाति के आधार पर भेदभाव को गलत ठहराता है, बैन करता है, और अब पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बनती है कि यूनाइटेड नेशंस के जरिए, दूसरी इंटरनेशनल फोरम के जरिए कास्ट को भी ग्लोबल प्रॉब्लम की तरह रिकॉग्नाइज करे, और जैसे नस्ल के आधार पर भेदभाव को वो बैन करते हैं और उस पर कुछ सजाएं देते हैं, प्रावधान करते हैं, वैसे ही कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को भी एक अपराध घोषित किया जाए और उनको जो उसके दोषी होते हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, इस वीडियो को शेयर करें, आप बाकी लोगों तक पहुंचाएं, सोशल मीडिया पर लिखिए, अपने विचार लिखिए, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में लिखिए, बहुत ज़रूरी है, हमें इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और अपने छोटे छोटे जीत के जश्न का कहें हम, वी शुड सेलिब्रेट इट, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है हम लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए, कि अब ग्लोबली भी हम लोग इस कास्ट की समस्या को डील करने की कोशिशें कर रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, ये खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करें। आपसे अपील है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आप हमारी ताकत हैं, दूसरे मीडिया को आपकी फिक्र नहीं है, लेकिन हम लगातार कोशिश करते हैं कि आपको आपके मतलब की, आपके हितों की खबरें दिखा सकें, इसलिए हमारी ताकत बने। आप हमें आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं, डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती हैं। आप हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ बीक।